नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको टर्टल्स का बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कि जब मौसम में बदलाव होता है तो आपका टर्टल जो है सुस्त होना शुरू हो जाता है, और ये सुस्ती आपने देखी होगी जैसे मतलब गर्मी के बाद जो सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है उस टाइम पर आपका कछुआ जो धीरे धीरे जो है सुस्त होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे एक डीप स्लीप में आप कह सकते हो खाना पीना छोड़ देता है। और सर्दी के उस मौसम में 3 से 4 महीने तक आपका जो कछुआ है, चाहे वो पानी का टर्टल है चाहे ज़मीन का टॉर्टॉइस है, दोनों में से कोई कुछ भी नहीं खाता है, एक कोने में जो है चुपचाप सुस्त पड़ा रहता है। आपको पता है कि जो है टर्टल है या टॉर्टॉइस जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी इनका जो है वातावरण इनके ऊपर जो है काफ़ी असर पड़ता है, यानी ये अपने शरीर को गर्म करने के लिए इनको हमेशा जो है गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको सूर्य की रोशनी या सनलाइट या यूवी लाइट जो है बहुत ज़रूरी होती है। लाइट ठंडे वाले जितने भी प्रदेश हो वहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है तो उस एरिया में जो रहने वाले जितने भी टर्टल्स 4 से 6 महीने अपने शरीर की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्लो कर लेते हैं और एक बिल्कुल कह सकते हो कि डीप निद्रा में चले जाते हैं, यानी उनके बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होती। और जब मौसम में बदलाव होता है बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और उनको सूर्य की रोशनी मिलती है या शरीर को जब गर्मी मिलती है तो ऑटोमेटिक वो पहले की तरह नॉर्मल फंक्शंस पे रहते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो कछुए रहते हैं, टर्टल या टॉर्टोइस रहते हैं, उनमें हाइबरनेशन में जाने से पहले या जाने से पहले, जैसे अब इस टाइम जून या जुलाई का जो महीना आएगा, इस मौसम में विशेष टर्टल्स को क्या डाइट देनी चाहिए ताकि जब आगे सर्दियों का मौसम आएगा तो उस वक्त उसको हाइबरनेशन में जाने में कोई दिक्कत ना हो, या क्या क्या क्राइटेरिया हम फिक्स कर सकते हैं कि आप उसको गहरी नींद में जाने दें या ना जाने दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक आपका कछुआ जो खाना खाता रहता है और अचानक से जो है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, और जब 2 से 3 महीने बाद आपका कछुआ टेम्परेचर में चेंजेस होता है तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि उसकी अचानक डेथ हो जाती है। वो भी एक रीज़न होता है कि हमने उसको प्रॉपर एक तरीके से हाइबरनेशन में नहीं जाने दें, उसको सडन हाइबरनेशन में गया है, या उसको हम लास्ट मोमेंट तक खाना खिलाते रहे हैं। जबकि कोई भी कछुए को यदि हाइबरनेशन में जानना है तो उसकी प्रिपरेशन हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। आपको अपने टर्टल या टॉर्टोइस का जो फिजिकल चेकअप है डॉक्टर के द्वारा आप हमेशा करवाना चाहिए कि उसके शरीर में इतनी इम्यूनिटी पावर है कि उसको हाइबरनेशन में जाने दिया जाए या न जाने दिया जाए। आप अपने टर्टल का जो है डॉक्टर्स के द्वारा चेकअप कराएं, उसकी आँखों की कंडीशन देखिए, आँखों में कुछ सूजन तो नहीं है, नाकों में नाक के अंदर में से कोई पानी तो नहीं बह रहा है, या नीचे बॉडी की कंडीशन देखें कोई किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, या ऊपर का जो शेल है उसमें कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही डॉक्टर आपको ये एक इंडिकेशन दे सकता है कि आपका जो टर्टल है या टॉर्टोइस है वो हेल्दी कंडीशन में है, आप उसको हाइबरनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ चीज़ें हमें जो है प्रैक्टिकल भी फॉलो करना चाहिए। यदि आपका टर्टल जो है इंडोर में है तो इंडोर के अंदर यदि आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, रूम का टेम्परेचर आप डाउन ही नहीं जाने देंगे, अगर डाउन नहीं जाने देंगे तो आपका कछुआ जो हमेशा एक्टिव बना रहेगा, सुस्त होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो है आपका टर्टल को हाइबरनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बॉक्स टर्टल जितने भी है वो अक्टूबर नवंबर में जो है ऑटोमेटिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं हाइबरनेशन में जाने के लिए। आपको उनकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को देख करके है जो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डे बाई डे आपका कछुआ सुस्त होता जा रहा है या जो है एक हाइबरनेशन की प्रोसेस में कह सकते हो स्टार्टिंग फेज में आपको उसके सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोस कर लेना चाहिए। आपका टर्टल हाइबरनेशन में जाने वाला है, आप कह सकते हो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, उसके हाइबरनेशन में जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि जब हाइबरनेशन के बाद आपका कछुआ 3 या 4 महीने बाद उठे वो एक हेल्दी तरीके से उठे, उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन ही ना हो कि वो उठ ही ना पाए। क्योंकि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं सर्दी खत्म होने के बाद आते हैं, वो अपने टर्टल्स को इस कंडीशन में लेके आते हैं कि लगभग वो आप ही मानिए 99% डेड ही होता है, उसमें हल्का फुल्का थोड़ी बहुत जान रहती है। यदि उन्होंने हाइबरनेशन प्रॉपर तरीके से किया होता तो आज शायद वो ये कंडीशन इस तरीके से फेस ना कर पाते। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि अपने कछुए को हाइबरनेशन में जाने देने देना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। इस टाइम गर्मियों का मौसम है, आपको चाहिए इस टाइम आप अपने कछुए को मैक्सिमम डाइट में विटामिन दें, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना विटामिन ए रहेगा उतना ही अंदर से जो कछुए की जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। तो जून जुलाई अगस्त के महीने में मैक्सिमम जो है अपने टर्टल्स को खाने में विटामिन ए आप उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स या टॉनिक के फॉर्म में भी आप उसकी डाइट में दे सकते हैं। जब गर्मी खत्म होने वाली हो तो उस टाइम में आप विटामिन ए की मात्रा कम कर दीजिए और जो फाइबर्स की मात्रा है जो एक्सेस में बढ़ा दीजिए, यानी वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिनमें फाइबर्स यानी रेशे जो है उनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक आप अपने आप बढ़ा दीजिए।
आपको लग गया है कि बिल्कुल सर्दी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, यानी 2 से 4 हफ्ते रह गए हैं, आपको लगता है कि आपका टर्टल हाइबरनेशन में जाने वाला है, तो उस 4 हफ्ते पहले यानी लगभग 1 महीने पहले आपको अपने कछुए को खाना देना बंद कर देना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि आप खाना देना बंद कर देंगे तो आपका टर्टल सर्वाइव कैसे करेगा, लेकिन नहीं, जब आप उसको 2 से 4 महीने पहले खाना देना बंद करेंगे तो उसके इंटेस्टाइन में जितना भी फूड होगा उस 4 हफ्ते के दौरान, जितना भी फूड होगा जब वेस्ट मेटेरियल होगा पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी जब वो नींद वाली अवस्था में जाएगा तो उसके इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई फूड मेटेरियल नहीं होगा। यदि उसके इंटेस्टाइन में कोई फूड मेटेरियल होता है, यानी आज आपने उसको लास्ट स्टेज तक आप उसको खाना खिलाते रहे हैं, अब वो एकदम से हाइबरनेशन में चला गया, तो जो फूड है वो अंदर आपके कछुए के इंटेस्टाइन में सड़ता रहेगा, और इंटेस्टाइन में सड़ने के कारण जो है उसमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। जिस दौरान वो 3 से 4 महीने सोया रहेगा उस टाइम वो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन इतना एक्सट्रीम में चला जाएगा कि उसकी सोते सोते भी डेथ हो सकती है। इसलिए उसको 4 हफ्ते पहले खाना एकदम देना बंद कर दीजिए ताकि उसका जो पैसेज है वो क्लियर हो जाए, जब वो सोने वाली अवस्था में जाए उसके इंटेस्टाइन में कुछ भी ना हो, ये उसकी सेहत के लिए ज़्यादा बेटर है। जब टर्टल या टॉर्टोइस की बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सोने की अवस्था में सबसे ज़्यादा लंग्स पर असर डालता है, और एक बार लंग्स में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने कछुए को बचाना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपके कछुए का वजन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने हफ्ते पहले जो खाना बंद कर देना है, यानी हाइबरनेशन में जाने से पहले। यदि सपोज कीजिए आपके कछुए का वजन 1 किलो से कम है तो आपको 3 से 6 हफ्ते पहले जो है उसका खाना बंद कर देना चाहिए। यदि 1 से 1.5 किलो के बीच में है तो उसको 3 से 4 हफ्ते पहले आपने उसको खाना बंद कर देना चाहिए। यदि 2 से 3 किलो के बीच में आपका टॉर्टोइज या टर्टल का वेट है, आपको उसको 4 से 6 हफ्ते पहले जो खाना बंद कर देना चाहिए। यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है आपको उसका खाना कितने टाइम ड्यूरेशन पहले बंद करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बॉडी वेट का मेजरमेंट लीजिए प्रॉपर और उसी हिसाब से जो है डिसाइड कीजिए कि आपने खाना कब बंद करना। जब आपने कछुए का खाना बंद कर दिया, सपोज कीजिए आपने उसको 4 हफ्ते खाना नहीं दिया है, खाना देना बंद कर दिया, लेकिन उस दौरान जो है आप अपने टर्टल्स का बॉडी का वाटर लेवल बनाए रखना, आपने अपने टर्टल्स को रोज 1/2 घंटा पानी में डिप करके हमेशा रखना ताकि उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कोई कमी ना हो, यानी शरीर में पानी की कोई कमी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। खाना भले ही आपने दीजिए लेकिन आप अपने टर्टल्स को 1/2 घंटे पानी में हमेशा रखिए। जैसे ही सर्दी पीक पे पहुंचती है, यानी टेम्परेचर आपका 5-6-7 डिग्री के टेम्परेचर पे चला जाता है, उस दौरान पीक पे जाने से पहले जो है आपके कछुए का जो जितना भी उसने भोजन खाया था उससे पहले वो सारा एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, यानी उसे बाहर निकल जाना चाहिए। उससे जो है आपका टर्टल जो हाइबरनेशन में जाएगा एक हेल्दी कंडीशन में जाएगा, ताकि जब वो 2 से 3 महीने बाद उठेगा तो उसी हेल्दी कंडीशंस में ही वापस उसी नॉर्मल स्टेज में आपको दिखाई देगा। हाइबरनेशन के पहले हफ्ते में जो है जो टर्टल्स का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए 65 डिग्री होना चाहिए, नेक्स्ट 1 हफ्ते में 60 डिग्री होना चाहिए, और तीसरे हफ्ते में जाकर जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर आप जो है टेम्परेचर को ला कर रोक दीजिए, वो टर्टल्स की सेहत के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। जब आपका कछुआ हाइबरनेशन में चला जाता है, यानी उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल स्लो हो जाती है, उस कंडीशन में आपको अपने कछुए को जो है प्रीडेटर से बचाना होगा। यानी आपका कछुआ एक कमरे में सोया हुआ है, एक बॉक्स में सोया है, तो उस दौरान चूहे वगैरह से आप उसको बचा के रखना, नहीं तो चूहे जो है उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कुतर सकते हैं, और उस वजह से जो आपके कछुए की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो प्रीडेटर्स जितने भी होते हैं उनसे बचाव करने का तरीका या क्या क्या प्रिपरेशंस आपने करनी है, उसको जाली के अंदर रखना है, कैसे रखना है, वो उसका प्रोटेक्शन आपको पूरे अच्छे तरीके से करना होगा। आज मैंने आपको बताया कि यदि आपका कछुआ हाइबरनेशन में जाना चाहता है या आप उसे ले जाना चाहते हैं तो किन किन कंडीशंस का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेगी। यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप जो है मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।